नाउ अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो यूनिवर्सिटी की बुक में दिया हुआ है। उन्होंने ऐसे लाइन से साथ नहीं दिया हुआ है, उन लोगों ने बैंकिंग सर्विस दिया है और उसके बारे में टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, ई बैंकिंग ऐसा दिया है। तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, अपने नोट्स में भी वैसे शॉर्ट में इसके बारे में दिया है। सो बिजनेस ये तो साथ है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, टूरिज्म ले लो, फिनेंस ले लो, बट मार्केटिंग ले लो, बट शॉर्ट में सात कैटेगरीज में बांटा है। पहला बैंकिंग सर्विसेज, सबसे पहले बैंक, वैसे इसका अलग से वीडियो में ऑलरेडी टाइप्स ऑफ बैंक दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे सातों के साथ वो एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा संस्था है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। बैंक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील करता है, ठीक है। किस प्रकार से डील करता है? बैंकिंग एक्टिविटीज से। बैंकिंग एक्टिविटी क्या होता है? लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में। सपोजिटली मिस्टर ए ने, मेरे पास, मैं बैंक हूँ, मेरे पास डिपॉजिट किया, मैंने उसको 4%, वैसे SBI का ब्याज 3.5% चल रहा है सेविंग्स अकाउंट में, तो मैंने उसको 4% दिया ब्याज, और यही पैसे से मैंने होम लोन दे दिया। होम लोन का किसी को, मिस्टर बी को लोन दिया, उससे लिया 7%। वैसे होम लोन का SBI का रेट 6.95 है, ठीक है। तो मेरा कमाई कितना हुआ? 7 - 3 = 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बैंक डिफरेंशियल इंटरेस्ट या फर्क जो इंटरेस्ट का आता है उससे कमाता है। आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस माना जाता है बैंक, सबको बैंक की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया है, जिसमें तुमने कैश डिपॉजिट मशीन, CDM बोलते हैं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन ले लो, ऑनलाइन ट्रांसफर में तो बोलते ना दुनिया भर का, NEFT, IMPS, फिर RTGS, IMPS, बहुत सारे ECS। अब तुम बोलोगे सर ये सब क्या है, ये सब अलग अलग, मैंने ई बैंकिंग के अलग अलग सर्विस के अलग अलग वीडियोस बना के एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो तुम उसमें देख सकते हो। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के सर्विसेज आ गए, ठीक है। सो ये नंबर वन था। नंबर टू इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस क्या होता है? दो पार्टीज है, जैसे LIC उसको इंश्योरर बोलेंगे, अपन जिसको इंश्योर्ड बोलेंगे। सो LIC और अपन, ये दो पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट होता है, इंश्योरेंस एग्रीमेंट या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलो, जिसके तहत LIC अपना लाइफ का इंश्योरेंस करेगा और अपन प्रीमियम भरेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर क्या है? लाइफ। उसी प्रकार से तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो तुम्हारा गाड़ी हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। तो इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड अपन, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी, जिसके तहत अपन प्रीमियम भरते हैं और इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी बोलो, वो अपने को प्रॉमिस करता है कि कुछ डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ तो कॉम्पनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो कॉस्ट है उसका भरपाई कर देगा। इंश्योरेंस है, तुमको लॉस के पहले की स्थिति में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, बट तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते बाय इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस सिर्फ एक भरपाई, कॉम्पनसेशन का जरिया है, नफे के लिए नहीं। नहीं तो सब अपने गाड़ी को जला के कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे, है ना, नवी गाड़ी लेना हो तो इंश्योरेंस सिर्फ भरपाई है, उसमें भी डिप्रिसिएशन सब कंसिडर करते हैं। रबर का पूरा देंगे नहीं, आधा देंगे, ऐसे बहुत सारे, प्लास्टिक का 50 रुपया तो हो सकता है 30-40 मिले, ऐसे अलग अलग कायदे हैं। वी डिड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सो इंश्योरेंस सर्विसेज का आई होप समझ में आया तुमको, ठीक है ना। आज के तारीख में तो 40-50 कंपनीज होंगे, और हेड जो है वो IRDA है, इंश्योरेंस का हेड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक ऐसा सर्विस है जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स है, ह्यूमंस है, ठीक है ना, एनिमल्स है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम ये करता है ट्रांसपोर्ट। अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, मिस्टर नितिन गडकरी है, काफी अच्छा काम किया उन्होंने। इस ट्रांसपोर्ट में तुमको रोड, वाटर, एयर, रेल, आजकल तो हाइपर लूप है ना, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, बहुत सारे जरिए हो गए हैं आजकल मोबाइल
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन देखा जाए तो ये सब डेवलपमेंट 1991 के बाद हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खुल गया। उसके पहले काफ़ी बुरा हाल था, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फास्ट फास्ट रोड्स बन रहे हैं, नए नए रेलवे ट्रैक्स, और ये सब काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है सर्विसेज में। और ट्रांसपोर्ट सर्विस का रेलेवेंस इसलिए है कि चाइना ने अपना गुड्स तो बहुत बनाया, लेकिन रास्ते ये सब बहुत ट्रक तो ट्रांसपोर्ट हो गए ना अच्छे रास्ते से, सो चाइना ने उसमें काफ़ी खर्चा किया। आज इंडिया को उसकी अहमियत समझ आ रही है, जिसकी वजह से अपन धड़ाधड़ रोड रेलवेज ये सब बिल्डअप कर रहे हैं। तुम गुड्स फॉरेन में तब पहुंचाओगे जब रास्ते में डैमेज नहीं होगा। रास्ता ही खराब है तो रास्ते में डैमेज हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। वेयरहाउस सर्विसेज तो जबरदस्त ग्रोथ से गुजर रहा है। 15-20% का सालाना ग्रोथ है वेयरहाउस का। अब वेयरहाउस होता क्या है, जहां पे तुम फिनिश गुड्स स्टोर करते हो पेंडिंग डिलीवरी। सो वेयरहाउस तीन बेसिक काम करता है, पहला गुड्स को रिसीव करना, फिर उसको सॉर्ट करना, जैसे चावल जाड़े पतले बासमती अलग अलग, ठीक है, उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो वेयरहाउस बेसिकली तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, खास करके टाइम और प्लेस। किस प्रकार से, अभी वेयरहाउस में स्वेटर रखा हुआ है, ठंडी आ गई तो स्वेटर निकाल के दे दिया, टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, नासिक में संतरे नहीं है, नागपुर से आए वेयरहाउस में रखे तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुआ। जिस जगह पे नहीं है उस जगह पे प्रोवाइड किया तो वेयरहाउस यूटिलिटी क्रिएट होता है। तुम देखो अमेजन, ये लोग फ्लिपकार्ट, ये लोग सब बहुत सारे वेयरहाउसेस धड़ाधड़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो, प्राइम मेंबरशिप जो है अमेजन का, वन डे डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं वो लोग। सो आज ऑर्डर किया कल कैसे करेंगे। नासिक में तुमने कई बार देखा है कि नेक्स्ट डे डिलीवरी होता है, तो ये कैसे होता है। सबसे पहले तुमने आज ऑर्डर किया तो चेन्नई में, तो चेन्नई से तो एक दिन में बहुत कठिन है, तो उनके वेयरहाउस है एक मुंबई के नजदीक भिवंडी में एक वेयरहाउस है। सो तुमने चेन्नई का ऑर्डर किया, चेन्नई से इधर आ गया ऑर्डर भिवंडी, भिवंडी से नेक्स्ट डे डिलीवर हो गया भिवंडी टू नासिक। तीन चार घंटा मतलब तुमको वन डे डिलीवरी आसानी से मिलता है। इस प्रकार से वेयरहाउसेस काफी जोरों में ग्रो हो रहा है, उसमें भी खास करके कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस पे काफी भर दिया जा रहा है। हालांकि बहुत कॉस्टली है बनाना, लेकिन ये सब पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद पांचवा, कम्युनिकेशन सर्विसेज। सिंपल सा है कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, इमोशंस, बिलीव्स, ठीक है ना, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या ज्यादा लोग के बीच में जब थॉट, आइडिया, विचार प्रदान, इमोशंस का विश्वास, ये सब एक्सचेंज होता है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है मैसेज, एक होता है मीडिया। सेंडर के पास आइडिया है, मैसेज है, फिर वो टेलीफोन मीडिया बन जाता है, या आमने सामने, वो भी एक जरिया हो गया। इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जरिए हो गए, सोशल मीडिया एक जरिया हो गया, है ना। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज आज के तारीख में 4G तो आ गया है जियो का, 5G 2021 में एक्सपेक्टेड है। काफ़ी हैंडसेट्स आजकल 5G एनेबल्ड है, तुम्हारा आईफोन 12 पूरे तरीके से 5G एनेबल्ड है, तो ये सब बेनिफिट आ गया है। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज में खास करके ई कम्युनिकेशन जो है, उसमें पहले मैसेज पहुँचाने के वादे थे 25-30 साल पहले, आज तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, FB मैसेंजर है, स्नैपचैट में होता है कि नहीं होता ही होगा कम्युनिकेशन, सो इंस्टाग्राम है, मतलब कम्युनिकेशन के 500 जरिए आ गए हैं एज कम्पेयर टू पहले। खास करके स्काइप है, बहुत सारे जरिए हैं जहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशल मीडियाज है ना। तुम बोलोगे इसका रेलेवेंस क्या है, बैंकिंग ये सब तो कम्युनिकेशन सपोर्ट पे काम करता है। यदि तुमको पता है बीच में HDFC का क्रेडिट कार्ड का कुछ तो ऑनलाइन 6-8 घंटा बंद था सर्विसेज, RBI ने सीधा नोटिस जारी किया कि नए कार्ड लेना बंद करो, पहले अपना सिस्टम सेटअप करो। थोड़े दिन पहले SBI का हो गया था 12 घंटा सर्विसेज बंद, इंटरनेट का प्रॉब्लम, वहां पे 1-1 मिनट बंद रहा तो लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक जाते, हल्ला हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सर्विसेज बैंकिंग के लिए, वैसे तो सबके लिए है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज GPS बिना इंटरनेट के क्या काम करेगा। सो
तुम बोलोगे तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन बैंकिंग का भी तो इतना इम्पोर्टेंट है ना। चेक किसको दोगे, व्यापार करोगे तो सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, कोई ज्यादा है कोई कम नहीं, सबके रिलेवेंस है। मर्केंटाइल एजेंट बीच के जो दलाल जिसको बोलते हैं, जैसे कि एक समय बहुत दलाल हर जगह पे थे, लेकिन अभी जैसे कम होते जा रहा है। कैसे कम होते जा रहा है बताता हूँ। नाउ आरटीओ में पहले लोग क्या करते थे, एजेंट को पकड़ते थे, पैसा देते थे, वो तुम्हारा लाइसेंस निकलवा के देता था। अभी सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, टेस्ट देने जाना पड़ता है। सो आरटीओ लगभग आउट हो गया वहां से। पासपोर्ट सर्विस के लिए तुम एजेंट को दो, वो सब करके देता था। आजकल भी वो भी ऑनलाइन हो गया है। फार्मर्स का में भी एग्रीकल्चर साइड तो बहुत सारे दलाल थे, लेकिन आजकल उनके भी ई चौपाल ये सब ऐप आ गए हैं, जहाँ पे ये लोग को बेचना डायरेक्ट आसान हो गया। और नया जो फार्म बिल है, इसमें तो एपीएमसी जो है ना, एग्रीकल्चर जो कमिटी है, जो कमीशन है जिसको सेल करते समय दलाली भी देना पड़ता है, वो सब आउट हो जाएगा। लेकिन फार्मर्स विरोध कर रहे हैं, तो ये फार्मर्स बिल में बहुत सारे एजेंट आउट हो जाएंगे यदि पास होता है तो। लेकिन अभी देखो 28 से 30 दिन हो गए फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है प्रॉब्लम्स। तो मर्केंटाइल एजेंट्स बहुत सारे जो दलाल है बीच के, जरूरी है। कैसे मैं बताता हूँ, केरला में मसाले, वर्ल्ड में अपन सबसे ज्यादा मसाले बेचते हैं, मेन तो गढ़ केरला है। अब केरला से नासिक मसाले बेचने, वो लोग अपना ऑफिस डालेंगे, खर्चा बहुत होगा सेटअप का। तो नासिक का एक एजेंट है, वो केरला वालों को बोलता है मैं कस्टमर ला के देता हूँ, तुम मुझे कमीशन दो। केरला वाले ने 50,000 का गुड्स भेजा, यहाँ पे बिका 50,000 का। केरला वाले को ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी। एजेंट ने 10-20 हजार ले लिए, लेकिन केरला वाले का कॉस्ट 30,000 था, तो केरला वाले को 10,000 का फायदा, एजेंट को 10,000 का फायदा, कस्टमर को केरला का मसाले मिल गए। तो विन विन सबके लिए होता है। तो कभी कभार एजेंट कहाँ काम में आता है, जहाँ पे तुम ऑफिस और ये सब एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो एजेंट के थ्रू भेज दो, कितना बढ़िया। लास्ट में एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग में एक मैसेज है, एक मीडिया है, ठीक है ना। जैसे तुमको टीवी एडवर्टाइजिंग है, फिर न्यूज़पेपर। स्टैंडर्ड क्या था एडवर्टाइजमेंट का तरीका, गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो रेडियो यूज होता था, फिर परवड़ता था तो न्यूज़पेपर। कुछ जगह पे स्पेशलाइज मैगजीन जैसे हेल्थ का, तो जिम इक्विपमेंट वैसे टाइप के, और आजकल वो आते हैं ना प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन शेक जो है वो सब उसमें डाल एड्स लोग करते थे। फिर टीवी का जमाना आ गया, लेकिन वो काफी कॉस्टली है, तो वो भी एक जरिया बन गया। लेकिन आजकल का जरिया होर्डिंग और बिलबोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड का जमाना आ गया है, जैसे अमेरिका का टाइम स्क्वायर है ना, उस प्रकार से जापान, ये सब जगह दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग है। तो इंडिया में भी वो कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ गया है। नासिक में भी सब एलईडी टाइप जो है, बहुत बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग ये सब आ गए हैं। सो नॉर्मल होर्डिंग का जमाना भी धीरे धीरे जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर होर्डिंग का सिर्फ टाइम फ्रेम 8 से शाम को 6-7 बजे तक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक से क्या, 8 से 6 दिन में दिखेगा शाम, और इलेक्ट्रॉनिक दिन में भी शायद वो दिखता ही है जिस प्रकार से स्क्रीन को बनाते हैं वो लोग। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि तुम देखो बहुत सारे, जैसे नासिक में रूंगटा ग्रुप है, जिसने एडवर्टाइजमेंट से ही कस्टमर कमाए सर्विसेज से ज्यादा, कि जैसे फ्लैट लो हमारी तरफ से 15,000 हर महीना हम देंगे 18 महीने तक, ऐसा जो एडवर्टाइजमेंट है। या आज का एडवर्टाइजमेंट कुछ है, 4-5 दिन तिड़के कॉलोनी में कोई दुकान है, 66 2/3, मतलब 2/3, दो तिहाई दाम में तुमको ऑफिस मिलेगा। ऐसे सब एडवर्टाइजमेंट से ही तो उनका देखा जाए तो धंधा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बिजनेस सर्विसेज के 7 प्रकार थे। आई होप तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे खत्म करते हैं।